नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास रॉबिन्स का सेकंड चैप्टर है, सैलिंजरी एंड सेल डेथ। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले तो ये शुरू में सारा रीड करना है, ठीक है। ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरव्यू भी आपने रीड कर लेना है। नेक्स्ट ये देखें, हमारे पास काजेज़ आ जाते हैं, काजेज़ ऑफ सेल इंजरी, ठीक है। ये आपने रीड कर लेने हैं इनको अच्छे से, आपने बस टॉपिक के नाम्स आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। ये काजेज़ एक आधी दफ़ा आपके यूक्यू में आया, वो इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बस रीड ही करना है, क्योंकि ये आम सी बातें होती है तो ये आपको याद रहती हैं, ठीक है। एक यहाँ पे ये देखो फ्लो चार्ट बना हुआ है नॉर्मल सेल का और रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। ये हमारे पास सेल इंजरी और सेल डेथ के अंदर ये भी हमारे पास एक दफ़ा यूक्यू आ चुका है, तो आपने इसको भी अच्छे से देख लेना है, इस फ्लो चार्ट को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल इंजरी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सबसे पहले रिवर्सिबल का, यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। ये देखें रिवर्सिबल सेल इंजरी, इसकी डेफिनेशन को आपने बहुत अच्छे से एज इट इज़ रटना है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी को आपने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी बहुत दफ़ा यूक्यूज़ में आ चुकी है, सेलुलर स्वेलिंग और फैटी चेंज वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसके डायग्राम्स को भी आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि रिवर्सिबल सेल इंजरी कैसे होती है। और नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टॉपिक है हमारे पास सेल डेथ का, ठीक है। सेल डेथ में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास एक तो इसकी डेफिनेशन है, और कुछ इसमें से आप सारा एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, लेकिन जो आपको जैसे नेक्रोप्टोसिस की डेफिनेशन होगी, एपोप्टोसिस की होगी, तो ये आप ना इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल लीजिएगा, ठीक है। मेजरली सारी डेफिनेशंस थी, और ये हमारे पास एक टेबल है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का, ये हमारे पास यूक्यू आया है, बहुत दफ़ा आया है अक्सर सेंडअप्स में, टर्म्स के क्वेश्चंस के अंदर और यूक्यूज़ के अंदर यही क्वेश्चन कई दफ़ा आ जाता है इस चैप्टर में से, तो आपने इसको बहुत अच्छे से करना है। तो आप समझ गए होंगे कि आपने रिवर्सिबल सेल इंजरी में से क्या करना है, सिर्फ डेफिनेशन करनी है, बाकी सारा रीड कर लेना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने हाईलाइट कर लेना है, मॉर्फोलॉजी को आपने एज इट इज़ रटना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है नेक्रोसिस, ये हमारे पास नेक्रोसिस का टेबल है और टॉपिक है, ठहरे मैं ज़रा फोकस कर दूँ, हाँ ये देखें, ये हमारे पास है नेक्रोसिस का टॉपिक, और नेक्रोसिस के टॉपिक में आपने सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी, ये हमारे पास ये देखें इसकी डेफिनेशन है, नेक्स्ट इसकी बायोकेमिकल मैकेनिज्म है, ये भी हमारे पास यूक्यू में आ चुका है, फिर मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी बहुत दफ़ा यूक्यू क्वेश्चन है। इसके बाद इसकी फेट है, ये फेट मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट के तौर पर बनाई हुई है, लेकिन ये नीचे भी वैसे फेट लिखी हुई है इसकी मॉर्फोलॉजी में, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्रोसिस के अंदर नेक्रोसिस की टाइप्स आ जाती हैं, ये देखें नेक्रोसिस की टाइप्स हैं, ये सारी की सारी टाइप्स आपने एज इट इज़ लिखनी है। ये बहुत 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 ज़्यादा पूछी जाती हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्रोसिस की टाइप्स का, एक एक टाइप के नाम, टाइप की एक्सप्लेनेशन, इनकी पैथोजेनेसिस, ये अंदर ही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इनकी पैथोजेनेसिस वगैरह, इनकी एग्जाम्पल्स तक भी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उनको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट एपोप्टोसिस का टॉपिक आता है, एपोप्टोसिस की आपने सिर्फ डेफिनेशन करनी है, बाकी आपने सारा रीड कर लेना है। काजेस को भी आपने सिर्फ रीड करना है, क्योंकि काजेस का ये देखें यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, तो ये टेबल बहुत इनफ है, तो आपने टेबल अच्छे से कर लेना है। फिर मैकेनिज्म है एपोप्टोसिस के, दो मैकेनिज्म बहुत आते होते हैं, ये देखें एपोप्टोसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, ठीक है। तो ये जो दोनों मैकेनिज्म्स हैं, दो मैकेनिज्म्स हैं हमारे पास ये डायग्राम के अंदर है, ठीक है। डेथ रिसेप्टर पाथवे है एक हमारे पास, और एक ये देखें माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे है, तो ये दोनों आपने बहुत अच्छे से करना है, इसके डायग्राम्स को आपने रट लेना है, क्योंकि ये डायग्राम ही बनाने के लिए आती है, ठीक है। तो आपने यूएचएस के अंदर के पेपर के अंदर आपने ये डायग्राम बनानी है, बाकी ये सारा रीड कर लीजिएगा, वही है जो इस डायग्राम के अंदर है, ठीक है, वही ये सारा कुछ लिखा हुआ है। क्लियरेंस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज, यानी कि एपोप्टोसिस का आपने सारा जो एक टॉपिक है वो अच्छे से करना है। नेक्स्ट है अदर पाथवेज ऑफ सेल डेथ, ये कोई खास इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर ऑटोफेगी है, ऑटोफेगी जो है वो आपने पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये जो समरीज एंड पे लिखी होती है ना, इनको आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा कीजिए, क्योंकि मॉर्फोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी आपने इस चैप्टर की बिल्कुल नहीं छोड़नी, और समरीज को आप रीड कर लेंगे तो आपको ओवरव्यू का पता लग जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिन्हें मैं हाईलाइट कर ली हैं या नहीं की हैं, ठीक है। तो डायग्राम्स आप ज़रूर देखा करें, ये हमारे पास ऊपर ही हमारे पास ये देखा ऑटोफेगी की डायग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी एंड सेल डेथ का, ये भी आपने पूरा करना है, और इसको सिर्फ रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चूँकि इसका यूक्यू में बहुत दफ़ा आता है, तो यूक्यू में इसका ये वाला डायग्राम ही इनफ होती है, तो आप इस डायग्राम को रट लीजिएगा, और बाकी सारा ये टॉपिक रीड कर लीजिएगा, इनफ है। नेक्स्ट जो ये वाली डायग्राम है, ये हमारे पास है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया की, इसके अंदर हमारे पास हमेशा जो यूक्यू के अंदर जो हमारे पास सिनेरियो आता है, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट होता है, उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह किसी भी आर्टरी में हो गया है, तो भाई उसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह या उसकी कॉन्सिक्वेंसेज, उसके हाइपोक्सिया इस्कीमिया में उसका क्या ताल्लुक है, तो ये पूछा जाता है कि अब उसकी क्या फेट होगी,
मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का पेशेंट था, तो अब वो किस तरह से कॉप अप करेगा और उसका क्या पैथोजेनेसिस है, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, तो आपने उसके अंदर ये वाले डायग्राम बनानी है, ठीक है। मेरे ही बुक के अंदर तो ये फिगर नंबर 2.16 है, ठीक है। तो बाकी ये सारा आपने मैकेनिज्म्स का, आपने ये सारा टॉपिक आपने रीडक्ट कर लेना है, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने निकाल लेना। इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसकी, ठीक है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की जनरेशन कैसे होती है, इनका रिमूवल कैसे होता है, ठीक है, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल का, तो ये आप इस डायग्राम्स को देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक की समझ आ जाएगी बिल्कुल। तो मेजरली इसमें सारा कुछ रीड करने वाला ये सेल इंजरी कास्ट वाले टॉक्सिन एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेस, ये भी आपने सारा रीड ही करना है, आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है डीएनए डैमेज का, डीएनए डैमेज को भी आपने रीड करना है, इन्फ्लेमेशन को भी, कॉमन इवेंट्स को भी सारा रीड करना है। जो एक मेन चीज़ याद करने वाली है यूक्यूज़ के तौर पर आती है वो ये देखें, ये फ्लो चार्ट है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल इंजरी एंड डेथ, ठीक है। ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखा होता है यूक्यू की जो स्टेटमेंट होती है उसके अंदर, तो आपने ये नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल होता है, तो ये आपने सारा फ्लो चार्ट बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट ये सारे कॉमन इवेंट्स हैं हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, डिफेक्ट्स इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, सारा आपने रीड करना है। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्रोसिस अपोप्टोसिस और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद इस चैप्टर के अंदर, वो है हमारे पास सेल अडेप्टेशंस, ठीक है। सेलुलर अडेप्टेशंस आपने बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत दफ़ा यूक्यू आया है, मेजरली इन्हीं तीन टॉपिक्स में हमारे पास यूक्यू आता है। तो ये हमारे पास हाइपरट्रॉफी है, इसकी डेफिनेशन, फिजियोलॉजी, ये सारा आपने अच्छे से याद करना है, इसकी पैथोजेनेसिस, इसका मैकेनिज्म, ठीक है, और इसकी टाइप्स करनी है, हाइपरप्लेजिया की टाइप्स, इसका मैकेनिज्म आपने करना है, मेटाप्लेजिया ट्रॉफी, ये सारा आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन, तो ये भी आपने अच्छे से कर लेना है, अगर आपको बहुत मतलब आपको आपने पहले यहाँ से रीड कर लेना, लेकिन बाद में आपने इसको फिरदौस से आपने इसके नोट्स वगैरह देख लेने के, फिरदौस में क्या टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्योंकि वो इसकी शॉर्ट बुक है, ठीक है, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन पहले आपने यहाँ से इंट्रासेलुलर एक्युमुलेशन को आपने रॉबिन से रीड करना है, ये देखें ये सारे फैटी चेंज कोलेस्ट्रोल वगैरह, ठीक है, क्योंकि इसमें से जो एक हमारे पास जो क्वेश्चन आता है यूक्यू इंटरसेलुलर एक्युमुलेशन में से, तो वो आता है हमारे पास पिगमेंट का, ठीक है, सॉरी पिगमेंट का नहीं, लाइपोफस्किन का आता है, मेलानिन हिमोसाइडरिन का आता है। हिमोसाइडरिन की ये जो पिक्चर्स हैं वाइवा ऑस्पी के अंदर बहुत ज़्यादा, ऑस्पी के अंदर बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है, हिमोसाइडरिन, हिमोसाइडरोसिस, ये सारा ऑस्पी के क्वेश्चन है, तो इनको भी आपने यूक्यूज के तौर पर याद कर लेना है, क्योंकि ये यूक्यू के अंदर इंटरसेलुलर एक्युमुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन, इस में आपने बस रीड कर लेना है इसको, इसके दो टाइप्स होती हैं, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो आपने दोनों टाइप्स के डिफरेंसेस का टेबल बना लेना है, मॉर्फोलॉजी को आपने नहीं छोड़ना, मॉर्फोलॉजी को आपने ज़रूर रीड करना है और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक कर लेना है। नेक्स्ट है सेलुलर एजिंग, इसको भी आपने सिर्फ रीड करना है और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, बल्कि इसी वीडियो में आपको बता देती हूँ कि इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपने सारे ही करना है, इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर, क्यों, क्योंकि इसमें से हमारे पास देखिए दो SEQs आते हैं, ठीक है, हमारे पास दो SEQs आते हैं और 8 MCQs आते हैं, तो इसके दो पोर्शन है, एक इन्फ्लेमेशन का पोर्शन है और एक हमारे पास पोर्शन है इसका रिपेयर का पोर्शन। तो शुरू में तो आपने सारा ओवरव्यू उसका सारा रीड कर लेना है, डेफिनेशन को आपने अच्छे से याद कर लेना है, आपको एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का डिफरेंस बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये देखें ये टेबल बना हुआ है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये यूक्यू बहुत दफ़ा आ चुका है। नेक्स्ट है काजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो इसको भी आपने सिर्फ रीड कर लें, और फिर रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब्स, ये सारा रीड करने वाला है, इसके आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बना लेना है कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये MCQs में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको समझ होनी चाहिए, तो आपको पता लग जाएगा, आप अच्छे से MCQs कर लेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, बल्कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की ये देखा डेफिनेशन है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपने बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है, ये नेक्स्ट डायग्राम्स को आपने अच्छे से कर लेना है, तो ये सारा आपने रीड करना है, अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको आपको खुद से लिखना पड़ेगा, लेकिन छोटा करके, जैसे ये चेंजेस इन वेस्कुलर फ्लो है, क्योंकि हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन का क्वेश्चन आता है कि वेस्कुलर चेंजेस बताएं और सेलुलर चेंजेस बताएं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन के अंदर, तो फिर आपको खुद से छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिखना होता है, तो आपने अगर मीडियम रॉबिन पढ़ी होगी, आपने अगर वहाँ से पॉइंट्स बनाए होंगे, तो फिर ही हो सकेगा आपका अच्छा यूक्यू जो है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट भी आपने सारा एक्यूट इन्फ्लेमेशन को आपने रीड कर लेना है। ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट का जो हमारे पास टॉपिक है ये भी आपने अच्छे से रीड करना है,
समरी को भी आपने अच्छे से रीड कर लें। ये सारे टॉपिक्स आपने रीड करने हैं अच्छे से ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। नेक्स्ट है हमारे पास फेगोसाइटोसिस का टॉपिक। फेगोसाइटोसिस में आपने सबसे पहले तो इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। ये सारी नीचे जो डायग्राम्स हैं ये सारे इनको साथ में करना है, फ्लो चार्ट को करना है, फेगोसाइटोसिस की डेफिनेशन करनी है। ठीक है, आपने ये सारे इसके जो स्टेप्स हैं फेगोसाइटोसिस के उनको आपने अच्छे से रीड आउट करना है, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल लेना है। सेम वही बातें हैं जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये सारा